जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। फ्रेंड्स, आप सभी को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं केलवा ईस्ट आया हुआ हूं। अरे फ्रेंड्स, आज मैं केलवा ईस्ट आया हुआ हूं। यहां पे एक बहुत ही सुंदर सा डैम है, केलवा डैम। ठीक है, मैं अपने फैमिली के साथ वहीं पे आज घूमने आया हूँ। आज 15 अगस्त की छुट्टी थी मुझे, तो आप भी मेरे इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे और भी डैम के अलावा और क्या घूमने के लिए अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, या फिर यहाँ पे कैसे आना है। आप शेयरिंग ऑटो से आ सकते हैं या फिर आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल से आना है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और एक बात, यहाँ पे ना एक सुंदर सा और एक झरना भी है, तो झरने का लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। आपको बहुत ही सुंदर झरना है वो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम वाटर अपना केलवा डैम की तरफ चलते हैं और आपको मैं आगे की जानकारी देता हूँ उसी। फ्रेंड्स, केलवा डैम जाने के लिए आपको सबसे पहले केलवा का रेलवे स्टेशन तक आ जाना है, और यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको बिरार और बोरुली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगे। एक बार आप एम इंडिकेटर जरूर चेक कर ले आने से पहले। और जैसे आप केलवा स्टेशन उतरेंगे, आपको ईस्ट में आना है, और यहाँ पे देखिए सामने आपको शेयरिंग ऑटो बहुत सारी मिल जाएंगी दोस्तों। शेयरिंग ऑटो का प्राइस मात्र 20 रुपये है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए तो ऑटो मिल जाएगा, लेकिन आने के लिए आपको ऑटो नहीं मिलता। तो एक बार इनका नंबर आप जरूर नोट करके अपने पास रख लें, ताकि आप इनको वापस बुला सकें। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लें आपसे वापस आने के लिए, लेकिन हम नंबर रख लेंगे तो आपको चल के आना नहीं पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको और वहाँ की जानकारी देते हैं दोस्तों। जब आप केलवा डैम की तरफ बढ़ेंगे ना आगे, तो आपको रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा खाली सा पूरा मैदान दिखेगा, और सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं दोस्तों। ये नजारा देख के मुझे एकदम स्विट्जरलैंड जैसे मूवी में दिखा था, स्विट्जरलैंड पूरा हरी भरी, पूरे खेत पीछे पहाड़, सेम वही तरीके का नजारा देखो दोस्तों यहाँ पे आसपास। ये मेन क्रिकेट का ग्राउंड है इस गाँव का, लेकिन फिलहाल बारिश में कोई खेलता नहीं, इसलिए देखो कितनी हरियाली छाई हुई है यहाँ पे। बहुत मस्त जगह दोस्तों। तो यहाँ पे आपके फोटोज बहुत अच्छे आ सकते हैं, मैं कुछ फोटोज़ के आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कैसे फोटोज आते हैं। बहुत ही मस्त जगह दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, मतलब अपने डैम की तरफ। फ्रेंड्स, केलवा डैम पे आने के बाद आपको एक वेस्ट की तरफ, मतलब एक राइट की तरफ रास्ता है, एक लेफ्ट की तरफ है दोस्तों। तो अपने को इस तरफ जाना है, इस तरफ। इस तरह यहाँ पे देखो अब लकड़ी भी लगाया हुआ है, इस तरफ अपने को जाना है। गाड़ी आपको यहीं पे पार्क करना है, इसके आगे आप गाड़ी लेके जा नहीं सकते। और आपको उस तरफ दोस्तों झरना वहाँ पे है, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वो आप देख लीजिए, वो झरना भी बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं तो बोलता हूँ आप ये डैम पे यहाँ पे चले जाइए, बहुत पास है और बहुत आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा अगर चलना पड़े, चलने की आपकी आदत है, तो आप थोड़ा वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं, थोड़ा वहाँ पर आपको ट्रैकिंग करना पड़ सकता है। हाँ, तुम भी जाएगा वाटरफॉल बेटा। टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा करो, टाटा टाटा करो। हाँ, टाटा, वाह वाह, लड्डू मेरा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत मनमोहक दृश्य है। आपको आपके फैमिली के साथ यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे आप। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों यहाँ का। मैं तो यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का, आसपास का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों। टाटा टाटा करो बेटा, टाटा नहीं करेगा, टाटा। हाँ, टाटा टाटा। अरे वाह वाह बच्चू। गिरमी रे। फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कितनी कम भीड़ है यहाँ पे। सुबह आने का ही फायदा, सुबह नहीं फिर भी अभी मुझे लगता है 12 तो बज चुके हैं, तो आप भी अगर कभी आते हैं तो 12 से पहले ही आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है ना, तो अभी भीड़ बढ़ने लगती है। और यहाँ पे ना मैक्सिमम 3:30 से 4 बजे तक आपको निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो उससे अच्छा ये है कि आप सुबह जल्दी आएँ, और फिर आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर एन्जॉय करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो हम भी पानी में चलते हैं, थोड़ा मस्ती कर दे दोस्तों। चलिए चलते हैं नीचे।
लड्डू पानी में आएगा, लड्डू पानी में आएगा, पानी में आ जाओ बाबू कैसा लग रहा है लड्डू इधर आ लड्डू, हू हू हू, डरने वाला नहीं है यार, या चपल 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 ओ बाप रे बाप, आग में चला गया फ्रेंड्स। जो हम डैम के ऊपर खड़े हैं, डैम का बांध तो बहुत छोटा, लेकिन पीछे डैम का पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। डैम तो बड़ा है और यहाँ पे बहुत स्लिपरी भी है, यहाँ बहुत स्लिपरी है, तो यहाँ से जंप वगैरह ना मारे आप, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे जंप मार रहे थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल जंप नहीं मारने वाला, बहुत रिस्की है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मम्मी के पास नहीं जा रहे, इसको और पानी के अंदर जाना है। देखो मेरे पास आएगा तो खुश हो जाएगा, देखो पानी के नाम पे बहुत नक्शा लगाएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखो नाटक बात, तुरंत स्माइल देखो, तुरंत स्माइल देखो इसका, पलकला पानी में जाएगा, पानी में जाएगा, चल बाप रे बाप, एकदम मम्मी पर गया बहाना मारने, एकदम कहाँ जा रहे लड्डू, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाटरफॉल क्रिएट हो रहा है, वहां से डैम का पानी जो भर रहा है वही वाटरफॉल की तरह यहां से बहते हुए नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल क्रिएट होता है यहां पे, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप वहां से वाटरफॉल बह रहा है पूरा, यहां से बहते हुए देखिए, बहुत अच्छा वाटरफॉल क्रिएट करता है। और वहां पे कुछ लोग दोस्तों क्लिफ जंपिंग भी कर रहे हैं, तो जो कुछ बच्चे हैं यहां पे, कुछ लड़के हैं वहां पे, क्लिफ जंपिंग है ना, बहुत गहरा खड्डा है वहां पे, बहुत मतलब ना पूरा डूब जाओगे इतना पानी है, तो मतलब क्लिफ जंपिंग करने के बाद कुछ पैर में वहां पे चोट वगैरह लगता नहीं, इसलिए वहां पे बहुत लोग क्लिफ जंपिंग करते हैं। दोस्तों बहुत पानी है यहाँ पे, थोड़ा सेफ रहिएगा, वहाँ पे क्लिप जंपिंग में मस्त जगह है, वहाँ पे चलते हैं देखते हैं, जब तक गार्ड साहब ना आए क्लिप जंपिंग भी देख लेते हैं हम लोग।